हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मैं इसे जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, ये कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका देखिए फार्मूला ये होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज आर डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आर डिक्रीज इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चेंज, इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, अमाउंट इनटू क्या होता, 100 होता, यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसको देखिए, इस फार्मूले को तो लर्न ही कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाले फार्मूले का, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 होता, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। सपोज दैट हम स्कूल में ही देख लेते, ठीक है, सपोज दैट इस ईयर, ठीक है, सपोज मानते हैं, ठीक है, मिस ईयर 2024 मिस 24 में हमारे स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट ये है कितने हैं, 1000 स्टूडेंट है। मींस नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सपोज दैट कहते हैं कि 2025, ठीक है, इसमें कितने इंक्रीज होते हैं, सपोज दैट 1500 स्टूडेंट यहाँ पे ये हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो यही होता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज किए हैं, ठीक है, या फिर कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगा देंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले 1000 था, फिर क्या हो गया, 1500 हो गया, तो इंक्रीज ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिक्रीज कर दे, पहले देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे, ठीक है, 1000 थे, यहाँ पे 500 हो जाते, तो आप क्या लिखते, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज लिखते, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ चेंज, चेंज मीन्स यहाँ पे देखिए कितने की चेंजेज हो रही है, ठीक है, मीन्स कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे देखिए 1000 है, ये 15 हो गई, कितने की चेंज, 500 का चेंज हुआ, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, ये 1500 को माइनस करेंगे 1000 से, इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देख कर ही बता सकते, पहले 1000 से अब 1500 हो गए, तो कितने का चेंज हुआ है, 500 का चेंज हुआ है। अपान देखिए क्या, ओरिजिनल अमाउंट आपका यही रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100 का, 2020 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड 1010 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 50%, कितना इंक्रीज करेंगे, 50% इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, अगली एक्सरसाइज में। सेकेंड देखिए क्या है, ये भी जानना आपको, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस से लेकर के दूसरा ये कॉन्सेप्ट है, दिख रहा ना, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट किससे है, ये मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सपोज दैट हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, और ला करके उसको हम बेच देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, और ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक है। मीन्स जो कॉस्ट प्राइस रहते, पहले शॉर्टकट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, देखिए जो कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मीन्स जो हम, मीन्स कॉस्ट प्राइस मीन्स जितने दाम में आप खरीदे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, फिर सेलिंग प्राइस मीन्स जो बेच रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन में कि आप बता सकते हैं कि किसमें प्रॉफिट होगा, किसमें लॉस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ, ठीक है, इफ देखिए क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है हमारी, जब लेस देन होती है ये सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जब लेस होती है सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, ये प्रॉफिट होती है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे कॉमा करके लिख लेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट अब देखिए कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस क्या कर देंगे, सी पी, एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है, सपोज दैट आप गए शॉप पे, ठीक है, एक पेन लिए, कितने भी की, ये 10 रुपीज की पेन है, ठीक है, 10 रुपीज की पेन लिए और लाए
किसी और से 15 रुपीज में क्या कर दिए इसको सोल्ड कर दीजिए, कर दिए 15 रुपीज में क्या किए सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का होगा, सेलिंग प्राइस कितने की है 15 की, कॉस्ट प्राइस 10 की है, तो आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इससे निकालेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या होती है, इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, मीन जितने का लाएंगे उतने का ही आप सोल्ड कर देंगे, तो इसमें नो लॉस होगा, नो लॉस होगा और एंड नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, ना तो लॉस होगा ना ही हानि होगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन जब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होती है ये ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, जब कॉस्ट प्राइस क्या होती है ये ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है लॉस होता है, ठीक है, क्या होता है लॉस होता है, लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के थ्रू देखिए इसको भी समझ लेते हैं, ये वाला भी ठीक है, थर्ड लॉस वाला देखिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस देखिए सपोज दैट आपने 10 का लेकर आए, ठीक है, 10 रुपीज की पेन लिए, अपने फ्रेंड को कितने की दे दिए 5 रुपीज में दे दिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, लॉस देखिए कितने का हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 10 की थी, 10 रुपीज की थी, सेलिंग प्राइस कितने की बेच दिए ये 5 रुपीज की, तो 5 रुपीज का क्या हो जाएगा आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो चीज और निकालते हैं इसमें, ये प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और लॉस परसेंट निकालते हैं, तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों भी नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है ये प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा सीपी इंटू 100, ये पहला हो गया फार्मूला। और लॉस परसेंट का देखिए क्या होता है, लॉस है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लॉस हो जाएगा ऊपर, लॉस अपान सीपी इंटू क्या हो जाएगा ये 100। तो ये इतने फार्मूलेज हैं, फार्मूला है, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बता दिए, मीन इसी से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया गया, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसी से। अब एक चीज और देखिए पढ़ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, मीन से इंटरेस्ट ही सिंपली बोलते हैं, ठीक है, थर्ड ये है, ठीक है, पहला दूसरा ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, थर्ड वाला यहाँ पे डालिए, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ये समझ लीजिए पहले, सपोज दैट आपके पास देखिए रुपए नहीं है, ठीक है ना, आपको बाइक लेनी है, ठीक है, दिवाली आ रही है, देखिए बाइक लेनी है, तो आप क्या करेंगे बैंक में जाएंगे, ठीक है, बैंक से क्या करेंगे लोन लेंगे, ठीक है, बैंक वाला लोन दे देगा, ठीक है, बट ये कुछ टाइम भी रहेगी, कुछ साल के लिए देगा, एक साल टू साल, ठीक है ना, वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर ये सब में देगा, बट जितना देगा फिर वो क्या करता है वो इंटरेस्ट मीन से ब्याज भी लेता, ठीक है, सपोज दैट है आपको दिया 1 लाख रुपए दिया, फिर वो क्या करेगा कुछ परसेंटेज का क्या लेगा वो ब्याज भी लेगा, उसी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं डिफिनेशन यहाँ पे कुछ राइट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला ये प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कुछ, पहले थ्योरी देखिए क्लियर रहेगी तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। पहला देखिए इसमें प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं ये कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल द मनी यू बारो इज द मनी, द मनी यू बारो, द मनी यू बारो इज ओके नोन एज सम बारोड, क्या होता है नोन एज सम बारो, नोन एज सम बारोड, ओके सम बारोड आर प्रिंसिपल। देखिए द मनी यू बारो, जो मनी हम उधार लेते हैं वही क्या होती है, वही उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर सम बारोड बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा आप देखते इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ये क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर कीपिंग दिस मनी, मीन्स जो मनी हम लिए हैं, ठीक है, फॉर कीपिंग दिस मनी, फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम,
मींस फॉर सम टाइम मींस वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर ठीक है फॉर सम टाइम द बारोअर हैज टू पे द बारोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू बैंक सम एक्स्ट्रा मनी टू बैंक ठीक है ये देखिए इंटरेस्ट होता है ठीक है समझ गए मीन्स आपने बैंक से उधार लिया तो जितना उधार लेंगे तो वो क्या करेगा वो कुछ है ब्याज लगा देगा ठीक है जैसे लोन वगैरह लेते नहीं है ईएमआई पे ठीक है बाइक ले लिए फाइनेंस करा लिए तो बढ़कर के रुपए आता ठीक है ना तो अपना वो जोड़ करके लगाते मीन्स इंटरेस्ट अपना जोड़ लेते ठीक है उनका ये लाभ हो जाता ठीक है और जो लिया रहता उसका कुछ नुकसान हो जाता ठीक है तो देखिए ये सिंपल जो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये हो जाएगा ये नोट करिएगा सिंपली हम क्या लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई ठीक है ये हो गया और आई का फार्मूला देखिए क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन 100 ये वाला भी नोट कर लीजिए ठीक है अभी आएगा क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे आर क्या है ये आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है एंड टी क्या है ये टी इज इक्वल टू टाइम है ठीक है कितने ईयर के लिए एंड पी इज इक्वल टू जानते हैं प्रिंसिपल है ठीक है पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल है अब चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसी से सॉल्व करते हैं ठीक है तब आपको ये समझ में आ ही जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन में राइट कर रहा हूं ठीक है आप लोग भी राइट कर लीजिएगा क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल ठीक है सपोज क्वेश्चन है एग्जाम्पल राइट कर लीजिए एग्जाम्पल देखिए क्या है अनीता टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 5000 देखिए कितने की ले रहे हैं 5000 की ले रहे हैं एट कितने परसेंट पे एट 15% पर ईयर देखिए रेट इनका है 15% पर ईयर ले रही है ठीक है पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है एज ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर देखिए क्या फाइंड द इंटरेस्ट अगर देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ ये स्लोली हो रहा है ठीक है आप लोग इसकी स्पीड जो होती है वो तेजी से कर लीजिएगा ठीक है ना फाइंड द इंटरेस्ट ओके सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ वन ईयर एट द एंड ऑफ वन ईयर ठीक है क्वेश्चन देखिए बहुत इजी ठीक है दिया गया ठीक है तो सबसे पहले देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया देखिए सॉल्यूशन देखिए अनीता टेक्स ए लोन ऑफ 500 लोन कितने का लिया है ये 5000 का लिया गया तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितने का लिया 5000 एट ए 15% पर ईयर एट रेट रेट देखिए कितना दिया गया 15% दिया गया ठीक है इंटरेस्ट है और यहाँ पे देखिए पर ईयर मीन से टाइम भी दिया गया टाइम वन ईयर लिया गया ठीक है वन ईयर का दिया गया फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ वन ईयर मीन्स कितना रुपए वो पे करेगी वन ईयर के मीन्स लास्ट में ठीक है तो आप क्या निकालेंगे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे आई इज इक्वल टू क्या होता पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 तो देखिए पी इज इक्वल टू कितना 5000 ठीक है 5000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 15% 15 टाइम 1 है अपान क्या हो जाएगा 100 कर देंगे 2020 से कैंसिल हो जाएगा 15 5 जा देखिए कितना होता 15 5 जा 75 10 बचा ये 10 आ जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना रुपीज आ जाएगा ठीक है इंटरेस्ट का तो टोटल अमाउंट पूछा है ना
तो यहाँ पे इंटरेस्ट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ वन ईयर, मीन्स कितना रुपए वो पे करेगा बैंक वाले को। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल देखिए कितना था, रुपीज 5000 था, प्लस इंटरेस्ट ठीक है उसका जो ब्याज वगैरह ये सब कितना था, रुपीज 750। तो बैंक वाले को कितना देगी एक साल के अंदर में, रुपीज 5750 रुपीज ये ले जा करके उसको देगी। ठीक है ये समझ गए, मीन्स 5000 का उसने लोन लिया एक साल के लिए, तो उसको कितना देना पड़ेगा एक साल के बाद में, मीन्स लास्ट में 5000 ये 750 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसी से देखिए फार्मूला लगे, ये सॉल्व करेंगे, इसको मैं नहीं इरेज करूंगा ठीक है, और ये सब इरेज करके क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। ठीक है देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है इसमें देखिए जितने भी ये दिए गए हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दिया गया है यहाँ पे, या तो आपको प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है ठीक है, या फिर जो भी आ रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है जितने भी एक्सपेंडिचर है यहाँ पे जो खर्च हुए हैं ठीक है, इसमें देखिए पहले में या तो प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। ठीक है अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस परसेंट भी निकालना। ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्यूशन, देखिए फर्स्ट का करते हैं। ठीक है सोल्यूशन ऑफ ए देखिए, गार्डनिंग सी एस ए बॉट, बॉट मीन्स ये क्या हो जाएगा सीपी। देखिए कॉस्ट प्राइस कितने की है, 250 की, मैं रुपीज नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या लिख लीजिए या फिर लिख ही दीजिए यहाँ पे रुपीज 250। एंड सोल्ड आर एस 300, एस पी कितने की है 325 की, रुपीज 325। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन कौन सी है, मीन्स ये वाला ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है, तो कंडीशन कौन सी है, मीन्स ये ग्रेटर है तो पहला लगेगा प्रॉफिट हो रहा है इसका। ठीक है तो प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट ठीक है ना, तो प्रॉफिट यहां पे हो रहा है तो प्रॉफिट में क्या करते हैं, एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी, फॉर्मूला फर्स्ट वाला है। ठीक है एसपी देखिए कितना है, एसपी यहां पे दिया गया है ये 325 माइनस कर देंगे 250, तो देखिए कितने का होगा, यहाँ पे 5 है ये जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7 आएगा। ठीक है मीन्स 75 रुपीज का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, कितने का हुआ 75 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, क्या निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट ऊपर रहेगी जानते हैं, प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा सीपी इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है सेम देखिए ये है, ठीक है तो प्रॉफिट देखिए कितने की हुई है, प्रॉफिट इसको हुआ है 75 रुपीज का, सीपी देखिए दिया गया है 250, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। ठीक है अब देखिए कट कर दीजिए, 10 से कैंसिल आउट हो गया, 25 एंड 3 इंटू 10 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है कितने ये प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, ये 30% आ जाएगा। ठीक है ये समझ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड देखते हैं बी वाला। देखिए बी वाला क्या कह रहा है, आर रेफ्रिजरेटर बॉट, ओके बॉट मीन्स बाय किया खरीदा, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 12,000 की। ठीक है एंड सोल्ड, सोल्ड मीन्स क्या हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस कितने की होगी, ये रुपीज 13500। यहाँ पे सेम कंडीशन, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है क्या हो गया प्रॉफिट, तो कितना करेंगे प्रॉफिट, ये फार्मूला लगाएंगे, एसपी माइनस क्या होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 3500 माइनस 1200। ठीक है कितना जीरो, 000। ठीक है यहाँ पे भी क्या है 000। ठीक है यस अब देखिए कितने का यहाँ पे हुआ इसको प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इसको हो गया है प्रॉफिट आई थिंक 1500 का ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है कितने का प्रॉफिट हुआ, 1500 का ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, ठीक है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपान सीपी, प्रॉफिट देखिए कितने का हुआ है 1500 का अपान सीपी कितना है ये 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 2020 कैंसिल, 1010 कैंसिल हो गया। ठीक है 12 है डिवाइड करेंगे 150 का, अब इसे ये ऐसे नहीं काटना आता तो सिंपली आप ये वाला डिवीजन यूज कर लेंगे। ठीक है 150 बीच में लिखेंगे, 12 यहाँ पे करेंगे
ट्वेल्व वन जा क्या हो जाएगा, ट्वेल्व आएगा, ये कटेगा थ्री आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। ट्वेल्व टू जा क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फोर होगा, ये कटेगा सिक्स आएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो आ जाएगा। ट्वेल्व फाइव जा क्या हो जाएगी, सिक्सटी आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो इसको कट करने के बाद क्या आ जाएगी, ये कितना 12.5% आ जाएगा, कितना आएगा 12.5% ये इसकी प्रॉफिट आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आपको आपके लिए दे रहे, ये भी है, ठीक है, एंड ये भी आप कर सकते हैं, बट इसमें देखिए लॉस आएगा, ठीक है, और लॉस परसेंट ये निकाल लीजिएगा, सेम है, ठीक है, फार्मूले पे रखेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते, ठीक है, आप इसको इरेज कर रहे हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है सबको, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, ठीक है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट, परसेंट में क्या करना है इसको निकालना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बताते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, ये 3:1 की रेशियो में दिया गया, किस में दिया गया, 3:1 की रेशियो, आप इसको ए मान लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये एक को, थ्री को ए ले लिए और दूसरे को बी ले लिए, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट पहले ए का देखते हैं, ठीक है, आप ए बोल सकते हैं, देखिए कितना है, थ्री है, ठीक है, ये थ्री है, अपान क्या हो जाएगा, टोटल, यहां पे क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है, टोटल, टोटल कितना, थ्री प्लस है वन इज इक्वल टू फोर, तो फोर से डिवाइड कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी, बी देखिए कितना है, वन है, टोटल कितना है, ये फोर है, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज ही पूछा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, ए का परसेंटेज कितना दिया गया है, ये 3/4 है, मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालना जानते हैं, देखिए 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 25, ठीक है, 4 × 2 = 25, ठीक है, 25 × 4 = 100 होता है, ठीक है, एंड 25 × 3 = 75%, ये आ जाएगा इसकी रेशियो, एंड यस परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी का निकालना है, तो क्या कितना दिया गया है, बी का 1/4 दिया गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, तो 4 × 1 = 4 ये 25 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ए और बी का ये परसेंटेज देखिए कितना आ गया, ए का ये कितना है, ये 75 है, ठीक है, ए का परसेंटेज देखिए कितना आ गया, 75% रेशियो, बी का कितना आ जाएगा, ये 25% ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं, और थर्ड और फोर्थ आप लोग अपने से ये ट्राई करिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, बी वाला देखिए क्या दिया गया है, 2:3:5 दिया गया, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, ठीक है, टोटल, टोटल इन सबको ऐड कर दीजिए, देखिए 5 × 3 क्या हो जाएगा, 8 × 2 क्या हो जाएगा, 10, टोटल 10 है, ठीक है। आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे यहां पे निकाले वैसे यहां पे भी निकाल लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, पार्ट आप पहले ए का निकालते हैं, ठीक है, ये देखिए 2 है, और टोटल कितना है, टोटल से हम डिवाइड करेंगे 10, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बी, बी देखिए कितना है, ये दिया गया है 3 है, अपन टोटल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सी, सी देखिए 5 है, 5/10 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और, अगर देखिए कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं काटना चाहते तो आप लीव ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, तब भी कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे काटना चाहते हैं तो ये इसको आप इतना लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = क्या हो जाएगा, 10, ये देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = क्या हो जाएगा, ये 10, 1:2 क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा। अब देखिए परसेंटेज निकाल दीजिए, सेम जैसे यहाँ पे निकाले हैं, तो परसेंटेज ऑफ ए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ए, ए कितना है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 20%, ये ए का आ जाएगा, ठीक है। बी का देखिए दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3×10 का क्या हो जाएगा, 30% आ जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ सी देखिए कितना है, परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई
100, 2 से कटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50% आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल, देखिए ए का परसेंटेज 20%, बी का परसेंट कितना आया है 30%, एंड सी का परसेंट कितना आया 50%, ये आ गया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन सी वाला आपका होमवर्क है, ये भी करिए, ये वाला करिए होमवर्क, ठीक है। अगर नहीं आएगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ओके ओके, थैंक यू। कहीं पे कोई डाउट होगी तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे, ओके, थैंक यू।